सब्सक्राइब कीजिए टेक स्मार्ट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। सैमसंग गैलेक्सी M31S लॉन्च हो चुका है, इसे आप अपग्रेड मान सकते हैं सैमसंग M31 का। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसमें अलग क्या है और फीचर्स में क्या अपग्रेड हुआ है। इससे पहले अगर आप मेरी चैनल में आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। हजार के सेगमेंट में इस समय मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस, रेडमी 9 प्रो मैक्स, पोको X2, रियलमी 6 प्रो और इसी सेगमेंट में एक नया नाम जुड़ गया है, सैमसंग M31S। अभी तक सैमसंग की M सीरीज के 7 से 10 फोन मिल चुके हैं, इसमें ये बेस्ट होगा। हाँ, इसमें कुछ बुरी बातें होंगी तो कुछ अच्छी बातें भी होंगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। इसमें ग्लास्टिक बैक मिलेगा, पर 3D ग्लास्टिक होगा और साइड कर्व होंगे जिससे फोन पकड़ने में ज्यादा अच्छा महसूस होगा। ज्यादा डिफरेंस नहीं है M31 से, पर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। कैमरे पर आते हैं तो कैमरे में क्वाड कैमरा मिलेगा जैसा कि M31 में मिला था, पर इसमें थोड़ा सा चेंज है। सैमसंग सेंसर के बजाय सोनी का 682 सेंसर मिलेगा। 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिलेगा जो M31 में 8 मेगापिक्सल था। 5 मेगापिक्सल का माइक्रो मिलेगा और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलेगा। अच्छी बात यह है कि कोई 2 मेगापिक्सल का कैमरा इसमें नहीं मिलेगा। कैमरे में डिटेलिंग अच्छी मिलेगी। इस कैमरे की सबसे बड़ी खूबी है कि आप एक क्लिक पर 10 शॉट ले सकते हैं। इसमें से 7 फोटो होंगे और 3 वीडियो होंगी। ये एक फ्लैगशिप फीचर है जो मिड रेंज फोन में नहीं मिलता है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिलेगी, साथ में फ्रंट एंड बैक से आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कैमरे में और फीचर जैसे स्लो मोशन, टाइम लैप्स और नाइट मोड आपको मिलेगा। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। इसके साथ रिकॉर्डिंग के समय में आप मोड चेंज कर सकते हैं, जैसे आप फ्रंट से बैक कैमरा कर सकते हैं। डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें 6.5 इंच का सुपर एमोलेड पंच होल डिस्प्ले मिलेगा। डिस्प्ले अच्छा है, कलर रिप्रोडक्शन भी बहुत बेहतरीन है, व्यू एंगल अच्छे आते हैं। गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलेगी, इतने में ही आपको संतोष करना पड़ेगा। इसलिए बैक में कवर और फ्रंट में प्रोटेक्शन ग्लास लगवा लें, अपनी सुरक्षा अपने हाथों में होती है। अगर हम ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की बात करें तो इसमें वाइड 1.2.1 का सपोर्ट मिलता है, इससे आप ऑनलाइन कंटेंट आराम से देख सकते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम फुल HD में आप देख सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो सेम प्रोसेसर 9611 ही मिलेगा। ठीक ठाक प्रोसेसर है, डेली यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सैमसंग की एक बात नहीं समझ में आती, सब कुछ अच्छा देता है पर प्रोसेसर डाउन की बात करें तो 2 वेरिएंट में आएगा, 6128 एंड 8128। अदर फीचर की बात करें तो आपको इसमें ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलेगा, आप SD कार्ड लगा सकते हैं और साथ में 2 सिम भी लगा सकते हैं। फोन 2 कलर में आएगा, मिराज ब्लैक एंड मिराज ब्लू। UFS 2.1 होने की वजह से आपको डेटा ट्रांसफर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्पीड अच्छी मिलेगी। HD में आप PUBG खेल सकते हो, हाई ग्राफिक सेटिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, PUBG खेलते समय कभी कभी लैग हो सकता है। इंटरफेस की बात करें तो इसमें 1 UI मिलेगा, ये Android 10 के साथ आएगा। इंटरफेस काफी स्मूथ है, नो ब्लॉटवेयर, 1 UI होने की वजह से फोन हैंग कम होता है। और भी काफी अच्छे फीचर मिलेंगे जैसे डार्क मोड, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिलेगा, फिंगर माउंट सेंसर साइड में मिलेगा और फेस अनलॉक भी मिलेगा जो काफी एक्यूरेट है। आइए बात करते हैं इसमें अच्छाइयाँ क्या है और बुराइयाँ क्या है। इसके प्रोज हैं,
इस बार सैमसंग ने अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक लगाया है। अगर पहले के फोन की कंपेयर की जाए इससे तो ये काफी अच्छा सॉलिड फोन होगा। दूसरी सबसे अच्छी बात है इसका चार्जर। इस बार आपको 25 वाट का चार्जर बॉक्स में ही मिलेगा जो 1 घंटे 40 मिनट में फुल चार्ज कर देगा आपका फोन। ये रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। तीसरी सबसे अच्छी बात है कि इस बार कैमरे में आपको सैमसंग का सेंसर के बजाय सोनी का सेंसर, सोनी IMX682 का सेंसर मिलेगा और आपको 8 मेगापिक्सल के बजाय 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा जो 103 डिग्री अल्ट्रा वाइड होगा। अब कॉन्स की बात करते हैं तो पहली प्रॉब्लम की बात करें तो इसका प्रोसेसर ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें एक्जिनॉस 9611 दिया गया है जो एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है पर काफी पुराना हो चुका है। ये अभी तक सैमसंग M21, M31, M31S, M30S में भी है। डेली यूज में ठीक ठाक काम कर लेता है पर कोई भारी ऐप में लैग करने लगता है, जैसे बात करें तो प्ले स्टोर, ट्विटर, इस सब पे लैग करने लगता है। दूसरी प्रॉब्लम है जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है, इसकी प्राइसिंग। सैमसंग M31 की प्राइस 17,000 के करीब थी पर इसकी प्राइस 19,000 से ही स्टार्टिंग है। सैमसंग के फोन मिड रेंज में अब पहले से काफी अच्छे होने लगे हैं पर कुछ कमियां हैं वो भी समय के अनुसार कम हो जाएंगी। अगर आपको नॉन चाइनीज फोन चाहिए तो इससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन मिड रेंज में अभी तक कोई नहीं है। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। नमस्कार।